स्कूल इस एप्लीकेशन पर उर्दू मीडियम के तलबा किस तरह से लॉग इन करके इस पर पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है उसे ओपन करना है। उसके बाद में उसका जो सर्च बार होता है उसमें आपको वी स्कूल ऐप इस तरीके से टाइप करना है, सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने जो पहला ही ऐप आता है जिस पर दो लड़कियों का फोटो बना हुआ है वो वी स्कूल का एप्लीकेशन है, आपको उसे इंस्टॉल करना है। इसके इंस्टॉल होते ही इसे आपको ओपन करना है। वी स्कूल जैसे ही आपके फ़ोन में ओपन होगा उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो है दो एप्लीकेशन की लैंग्वेज के जो है दो ऑप्शन पूछेंगे, एक मराठी और एक इंग्लिश। मैं यहाँ पे इंग्लिश में आगे बढ़ने वाला हूँ तो मैं इंग्लिश में करूँगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ बातें बताई गई है वी स्कूल के बारे में, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हो या आप स्किप भी कर सकते हो। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब वी स्कूल जो है आपको कुछ ना कुछ वक्फे के बाद में नोटिफिकेशन भेजते हैं, उसके लिए आपको परमिशन मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। उसके बाद में अब यहाँ पे आपके सामने जैसे कि चार अलग अलग लॉगिन्स नज़र आ रहे हैं आपको। एक पालक विद्यार्थी यानी बच्चे और पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, एक प्रिंसिपल के लिए है और एक अधिकारी के लिए है। तो अभी फ़िलहाल हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करें। अगर कोई बच्चा लॉगिन कर रहा है या कोई बच्चे के पेरेंट्स लॉगिन कर रहे हैं, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं तो आपका जो प्रोफाइल बनेगा वो बच्चे का ही बनेगा, तो आपको यस करना है यहाँ पर। जैसे ही आप इस पर यस करते हो आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में नीचे यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है आपको, जिसमें बताया गया है कि आपको वी स्कूल की जितनी पॉलिसीज़ है वो मंजूर है। इस तरीके से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आपको एक OTP आएगा इस तरीके से। तो देखिए जैसे ही आपको OTP आता है उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डालना है। 7 2 8 7 1 ये मेरे नंबर पर OTP आया है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में आपको फिर से पूछता है कि आप टीचर हो या पालक हो। ओके, तो आप जैसे कोई बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स लॉग इन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पालक पे क्लिक करना है, जो दो नंबर का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद में आपका नाम पूछ रहा है, तो जो ये पूरा नाम पूछ रहा है ये पेरेंट का नाम पूछ रहा है। ओके, तो बच्चे बच्चे के वालिद का नाम जैसे कि मोहम्मद खालिक है। इस तरीके से यहाँ पे पेरेंट का पूरा नाम आएगा। उसके बाद में आप जिस भी ज़िले में रहते हो, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे ज़िलों के नाम दिए गए, तो मैं जलगांव में रहता हूँ तो मैं जलगांव का इंतखाब करूँगा। मैं जलगांव का इंतखाब किया। उसके बाद में तालुके का पूछ रहे हैं, तो मैं जलगांव ज़िले में जो है मैं एक यावल तालुके में रहता हूँ, तो मैंने यावल तालुके का इंतखाब किया। इसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो सबसे मेन यहाँ पर आपका जो ध्यान से और आपको बहुत खास तवज्जो के साथ में यहाँ पे जो सिलेक्शन करना है वो है मीडियम का। यहाँ पे जो है जैसे कि वी स्कूल ऐप पर तीनों ही मीडियम का सिलेबस अवेलेबल है, तो आपको उर्दू मीडियम का करना है। तो ये पहला मराठी है, दूसरा सेमी इंग्लिश है और तीसरा जो है ये उर्दू मीडियम है। तो आपको पूरे ध्यान से उर्दू मीडियम का इंतखाब करना है। उसके बाद में आप जो भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और 10th तक आपको सारी क्लासेस दी है, तो मैं 10th क्लास का इंतखाब कर रहा हूँ। उसके बाद में जब ये है बच्चे का पूरा नाम पूछ रहे हैं, तो बच्चे का पूरा नाम डालना है आपको या फिर जो भी स्टूडेंट उसका पूरा नाम डालना है, शाहिद, मोहम्मद शाहिद, इस तरीके से। उसके बाद में जो स्टूडेंट मेल है या फीमेल है वो आपको चूज करना है। उसके बाद ये सारी चारों ही मालूमात भरने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में आता है आपके स्कूल का इंतखाब। अब स्कूल इसलिए चुनते हैं ताकि आपका जो मॉनिटरिंग है डेटा का वो प्रॉपर से हो सके, इसलिए हम स्कूल का यहाँ पे डिटेल्स भरना होती है। तो अगर आपको आपके स्कूल का यूटाइज कोड पता है या आपके स्कूल से आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, प्रिंसिपल से पूछ सकते हो कि स्कूल का यूटाइज क्या है, वो यहाँ डाल सकते हो आप। अगर आपको आपको यूटाइज डाल यहाँ पे यूटाइज टाइप करने के बाद में भी अगर आपको स्कूल नहीं मिल रहा है तो आप उससे आसान एक काम और कर सकते हो कि यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है दो नंबर वाला है ना, दो नंबर पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप आपके स्कूल का नाम सर्च कर सकते हो इकरा। ओके, अब देखिए जैसे कि मैं नाम सर्च कर रहा हूँ बट स्कूल का नाम नहीं आ रहा है। अगर इस कंडीशन में भी अगर नाम ना आए तो आप और एक ऑप्शन आपके पास, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि
कि आप यहाँ पे अदर टाइप करें। और जैसे ही आप अदर टाइप करते हो OTHER, तो यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन आता है। आप अदर में क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका स्कूल का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में अब आपके सामने जो है आपकी पढ़ाई के लिए इंटरफेस ओपन है। ओके, मतलब स्कूल का जो मेन डैशबोर्ड है वो आपके सामने है। तो आप जैसे कि लास्ट में जो ऑप्शन है स्टार्ट स्टडी, इस पर आप क्लिक करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इस तरीके से आपके सामने आपके जो जमात है उसके सारे मजमून हैं, है ना। इसी तरीके से अगर आपको आपके मोबाइल में प्रोफाइल्स बढ़ानी हो, या आपके एक ही फ़ोन में आपके भाई बहन किसी का भी अगर प्रोफाइल बढ़ाना हो आपको, या फिर आप ही को छोटी क्लास से इसका जो आपके कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है, अब सिंपली यहाँ पे ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पे ऊपर ऑप्शन है यहाँ पे 10th लिखा है, और उसके बाजू में प्रोफाइल्स के पिक्चर्स दिए हैं, यहाँ पे क्लिक करने में एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जो नीचे ये मस्बत या जमा का जो निशान दिया है इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे फिर से दोबारा मीडियम चुनेंगे, आपकी क्लास चुनेंगे, 8th क्लास चूज़ किया है, और नाम डालेंगे। अगर आपके घर में कोई भाई है तो उसका नाम डालिए नीचे, मोहम्मद कामरान। ओके, इस तरीके से फिर वापस से जेंडर चूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। इसी तरह उनकी भी स्कूल का नाम चुन चॉइस करना है आपको। तो अगर आपके स्कूल का यूडाइस है तो वो डालिए, नाम डालिए, या फिर आप अदर अदर ऑप्शन जा सकते हो। इस तरीके से आप आगे आगे बढ़िए। वापस से आपकी देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले एक ही प्रोफाइल था, अभी यहाँ पे दो प्रोफाइल आ चुके हैं। इसी तरीके से आप चार प्रोफाइल कर सकते हो।